न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा कंसारा ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, दोनों पति पत्नी कोरोना वॉरियर्स बनकर दे रहे सेवा। चिले में मिले 3 और कोरोना मरीज। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए लिए सैंपल। रानीवाड़ा में कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट। युवक ने पड़ोसी खेत में फांसी लगाकर की आत्महत्या। दांसा में कृषि कार्य करते वक्त किसान की मौत। जिले में एक बार फिर हुआ टीडी का हमला। नरेगा स्थल पर विधिक सेवा ने दी कोरोना की जानकारी। महाराणा प्रताप युवा संगठन की स्थापना। टैक्स वृद्धि के विरोध में सब्जी मंडी 1 सप्ताह के लिए बंद। अब समाचार विस्तार से। दोनों पति पत्नी कोरोना वॉरियर्स बनकर दे रहे सेवा। नरपत चौहान की रिपोर्ट के अनुसार जिला मुख्यालय के निवासी एक दंपति कोरोना वॉरियर्स के रूप में दे रहे हैं सेवा। नरपत जिंगर राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर वर्तमान में पुलिस थाना जालौर में कार्यरत है। वही उनकी धर्मपत्नी पुष्पा देवी जिंगर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बादानवाड़ी में ANM स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में क्वारंटाइन सेंटर व गांव के गांव वासियों को क्वारंटाइन की सेवा दे रही है। उनकी हेल्थ रिपोर्टिंग का काम बड़े ही निष्ठा व निडरता के व साहस के साथ अपने परिवार से दूर रहते हुए कोरोना वॉरियर्स के रूप में सेवा दे रही है। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अलग अलग विभाग में अपनी सेवा देकर कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। जिले में मिले 3 और कोरोना मरीज। जेठाराम गोयल की रिपोर्ट के अनुसार जालौर के जसनपुरा क्षेत्र में 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। BCMO दिलीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 मई को अहमदाबाद से कार्लू गांव पहुंचे युवक को 4 मई को आवासीय विद्यालय में क्वारंटाइन किया गया था। उस मरीज की आई सैंपल रिपोर्ट में वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वही जसंतपुरा के चारपुरा आवासीय विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर में भी पति पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव निकले। वे भी कुछ दिन पहले ही अहमदाबाद से जसंतपुरा आए। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए लिए सैंपल। ध्यानचंद दादलिया की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी व जालौर जिले में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज के बाद चिकित्सा विभाग ने सतर्कता दिखाते हुए सियाणे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रवासियों दुकानदारों के रैंडम सैंपल लिए। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने बताया कि सियाणा अस्पताल में कुल 13 सैंपल लिए, जिसमें बाहर से आने वाले प्रवासियों के 8 सैंपल, बाकी 5 रैंडम सैंपल व्यापारियों के, पत्रकारों के और मेडिकल वालों के लैब टेक्नीशियन प्रकाश कुमार द्वारा लिए गए और जांच के लिए भेजे गए। इस मौके पर प्रकाश कुमार, सुभाष अग्रवाल, कन्हैयालाल प्रजापत, प्रदीप भट्ट, कुलदीप राठौड़, हितेश सहित अन्य उपस्थित रहे। इसी क्रम में सियाणा से ध्यानचंद दादलिया की रिपोर्ट के अनुसार अकोली गांव में विभिन्न शहरों से आए प्रवासियों को ग्राम प्रभारी अकोल निर्मल कुमार परियार के नेतृत्व में 33 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया। ग्राम प्रभारी निर्मल कुमार परियार ने बताया कि आज सुबह हमें गांव में राज्य से बाहर से आने चेन्नई, बेंगलोर, मद्रास, तमिलनाडु के शहरों से 33 प्रवासी आने की सूचना मिली, जिस पर कोर कमेटी टीम व मेडिकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आए हुए सभी प्रवासियों से बंद पत्र व पड़ोसी के प्रतिभूति पत्र भरवा कर उनको होम क्वारंटाइन किया गया। वही लक्षित सोनी की जानकारी के अनुसार जिले के आलासन गांव में कोरोना वायरस महामारी के चलते बाहर से आए प्रवासियों को डॉक्टर और उनके साथ आई टीम ने पूरे गाँव के लोगों को मशीन के जरिए टेस्ट किया। अहमदाबाद, सूरत और महाराष्ट्र से आए प्रवासियों के कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर टेस्ट हुए। टेस्ट के दौरान लक्षित सोनी, दिलीप सोनी, किशन सोनी, मानसी, मयूर सहित कई लोगों का टेस्ट करवाया गया। रानीवाड़ा में कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट। मदन महेश्वरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में फैली कोरोना महामारी से अब तक बचते आ रहे रानीवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर गुरुवार को कोरोना वायरस का एक मरीज मिला। प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। प्रशासन को पॉजिटिव रिपोर्ट की सूचना मिलते ही रात्रि में उपखंड अधिकारी प्रकाश चंद्र अग्रवाल, तहसीलदार शंकरलाल मीणा के नेतृत्व में कस्बे में रूट मार्च निकाला गया एवं लोगों को घर में रहने की अपील की। वही रात्रि में ही कस्बे के मुख्य मार्गों सहित सभी रास्तों पर नाकाबंदी कर दिया गया है। वही शुक्रवार दोपहर में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता,
पुलिस अधीक्षक हिम्मत अभिलाष टांग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार, अधिशासी अभियंता डॉक्टर राठौड़ व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र देवल भी रानीवाड़ा मुख्यालय पहुंचकर पंचायत समिति के वीसी हॉल में उपखंड स्तरीय समस्त अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। युवक ने पड़ोसी खेत में फांसी लगाकर की आत्महत्या। दीपक राजपूत की रिपोर्ट के अनुसार भिनमाल के निकट साईराणा गांव की एक घटना, एक युवक ने पड़ोसी के खेत में नीम के पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या की। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। वही घटना की सूचना मिलते ही जाप पुलिस के दुर्गा राम व पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर जांच शुरू की। एएसआई दुर्गा राम ने बताया कि युवक 8 महीने से बीमार था। रात में खाना खाने के बाद पड़ोसी के खेत में जाकर नीम के पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या की। आत्महत्या करने वाला युवक का नाम दिनेश कुमार पुत्र कुपाराम जाति गर्ग बताया जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। दानसा में कृषि कार्य करते वक्त किसान की मौत। मोदरा से जगमाल सिंह राजपूत की रिपोर्ट के अनुसार जिले के रामसिंह पुलिस थाना क्षेत्र के मोदरा पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत दानसा सरहद पर एक किसान की कृषि कार्य करते वक्त दुर्घटना से मौत हो गई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महेंद्रपुर पुत्र रणछोड़ा राम माली ने रिपोर्ट देकर बताया कि दानसा सरहद पर सैतान सिंह पुत्र सत्य सिंह राजपूत के कृषि कुएं पर उसके पिताजी रणछोड़ा राम माली उम्र 65 वर्ष शुक्रवार को बोरवेल से पानी की मोटर निकालते वक्त उनके ऊपर लकड़ी का चकड़ा सिर पर गिरने से बेहोश हो जाने पर उन्हें उपचार के लिए भिनमाल रेफर किया, जहां से गुजरात के लिए लेकर जाते वक्त बीच रास्ते में निधन हो गया। जिले में एक बार फिर हुआ टिड्डी दल का हमला। समर्था राम सुदेशा की रिपोर्ट के अनुसार तहसील जाप चितलवाना में टिड्डी दल वापस डेरा डाल चुका है। इसी को लेकर एक तरफ कोरोना जैसी महामारी बीमारी से परेशान है, दूसरी ओर टिड्डी दल ने किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचाने की चिंता लगी हुई है, जिससे किसानों को एक बार फिर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नरेगा स्थल पर विधिक सेवक ने दी कोरोना जानकारी। सुरेशगढ़ रोडला की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को ग्राम पंचायत उमेदपुर ने नरेगा कार्यस्थल पर कोविड टीम व विधिक सेवा ने कोरोना वायरस के तहत जानकारी देकर जागरूक किया। कोविड टीम के उमेदपुर पटवारी पुष्पेंद्र सिंह शेखावत ने नरेगा श्रमिकों को कोरोना वायरस के लक्षण व बचाव संबंधित का जानकारी दी व सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कहा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौर के PLV रमेश कुमार बेदाना द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्य करने वाले नरेगा श्रमिकों को श्रमिक हितों के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान की। इसी प्रकार जसराज कुचल की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को ग्राम पंचायत ढोडियाली के अंतर्गत पंचावना गांव में नरेगा कार्यस्थल पर विधिक सेवा द्वारा कोरोना वायरस के तहत जानकारी देकर जागरूक किया गया। महाराणा प्रताप युवा संगठन की स्थापना। नेपाल सिंह जीवाणा की जानकारी के अनुसार महाराणा प्रताप जयंती पर दीप जलाकर महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में महाराणा प्रताप युवा संगठन जालौर की स्थापना की गई। संस्थापक नेपाल सिंह ने बताया कि संगठन गो सेवा और समाज के हित के लिए किसी संगठन की स्थापना की गई है। संस्थापक नेपाल सिंह ने बताया कि संगठन गो सेवा और समाज के हित के लिए इस संगठन की स्थापना की गई है, जिसमें जालौर जिला प्रभारी भरत सिंह देवड़ा को नियुक्त किया गया है। वही जिले की सभी तहसीलों की कार्यकारिणी
जल्दी बनाई जाएगी। टैक्स वृद्धि के विरोध में सब्जी मंडी एक सप्ताह के लिए बंद। नरपत चौहान की रिपोर्ट के अनुसार एक तरफ कोरोना का कहर है, वहीं दूसरी तरफ इन विपरीत हालातों में भी राज्य सरकार ने कृषि को व कृषि उपज खरीदने वालों व्यापारियों पर 2% अतिरिक्त कर बोझ डालने के विरोध में कृषि उपज व सब्जी मंडी के व्यापारियों व किसानों के सामूहिक निर्णय पर सब्जी मंडी 7 दिन के लिए बंद रहेगी। इस दौरान सब्जी फल व अथवा कृषि उपज की खरीदारी व विक्रय नहीं किया जाएगा। यह सर्वविदित है कि सब्जी फल व अनाज आदि आवश्यक सेवाओं में आते हैं, जिसकी जरूरत लोगों को प्रतिदिन पड़ती है। ऐसे में लोगों के लिए समस्या और बढ़ जाएगी। वह शनिवार को मंडी के बंद के ऐलान के बाद व्यापारियों व ग्राहकों की मंडी में भीड़ उमड़ गई और जमकर कई दिनों के लिए बंपर खरीदारी एक साथ। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार जालौर शहर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालौर।